आज मैं आपको पैरों की 12 ऐसी मसाज बताऊंगी जिन्हें करने से अगर आपके पैरों में दर्द रहता है, चोट की वजह से आपके पैरों में दर्द रहता है, या सर्दियां हैं इस वजह से आपके पैर अकड़ जाते हैं, आपके पैरों में सूजन रहती है, या खून का दौरा रुक जाता है, कई लोग सर्दियों में जो है बेड पर बैठे रहते हैं, वो इतना चल फिरते नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी बढ़ती उम्र के साथ हमारे पैरों में दर्द रहता है, तो पैरों में दर्द होने की वजह से जो है हमारी चाल में भी फ़र्क आ जाता है, हमारे पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कई लोग जो है लंगड़ाके चलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए ये जो मसाज है ये एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है अपने जो है पैरों को रिलैक्स करने का। सबसे पहले तो आपने तेल लेना है, तेल उतना ही लें जितना कि आप जो है आपके पैरों पर आसानी से मसला जा सके, तो इसको पहले आपने अच्छे से अपने हाथों पे लगाना है और फिर अपने पैर के तलवों पर कुछ इस तरीके से इसको आपने लगाना है। याद रहे ये हमारे पैर के तलवे हैं और हमारे पैर के ऊपर जो होते हैं ये हमारे पैरों के जो है चैनल्स होते हैं। अगर हमारे पैरों के चैनल ठीक है, हम इनकी डेली मसाज करते हैं, तो हमारी जो पैरों से रिलेटेड समस्याएं हैं वो आपकी जो है ठीक हो सकती है। तो ये जो तेल है ये तिल का तेल है, मैंने यहाँ पे तिल के तेल का इस्तेमाल किया है क्योंकि तिल के तेल की जो है काफ़ी अच्छा होता है, ये गर्म होता है तो सर्दियों में ये जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी आप इसमें अपने मन चाहे तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का, गिरी का, अखरोट का, आंवले का, जो तेल आपको कंफर्टेबल लगे आप जो है उस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने तेल को अच्छे से अपने पैरों के तलवों पे लगाना है। सबसे पहले आप अपने पैर के तलवों पर टैबिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और मैं आपको बता दूं ये जो मसाज है ये हर उम्र के लोग कर सकते हैं, और इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये जो मसाज है ये सेल्फ मसाज है, इसके लिए आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए जब आप ये टैपिंग करेंगे तो आपके जो पैर के मसल्स हैं, ये तलवों के मसल्स हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे। तो ऐसा जो है आपने ये 15 सेकंड के लिए करना है। उसके बाद आपने अपने पैरों को अच्छे से ऐसे मसलना है जिससे कि आपके जो पैरों का खून का जो दौरा है वो स्टार्ट हो जाए, इससे आपके जो पैर हैं वो भी गर्म हो जाएंगे। इसके बाद आपने जो ये ऊपर के जो चैनल्स हैं आपके, ये देखें ये आपके चैनल्स होते हैं, इन चैनल्स पर आपने ऐसे प्रेशर डालना है, ये दो उंगलियां हैं इनके बीच में ऐसे अपने थंब को रखना है और अच्छे से इसको प्रेस करना है। ये देखिए इस तरीके से आपने जो है प्रेस करना है। उसके बाद ये दूसरा चैनल है आपका, इसको भी आपने कुछ इसी तरीके से प्रेस करना है। आप जो है इस तरीके से अपने चैनल की मसाज कीजिए। आपने अपने एक चैनल की मसाज जो है 5 सेकंड के लिए करनी है, और आपके पैरों में ये आपके 4 चैनल होते हैं। अगर आपके ये चैनल ठीक हैं तो आपको जो पैरों की समस्या है उसके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो सकते हैं आपके। उसके बाद आपने पैरों के, आपने सुना होगा आपके जो तलवों का ये हिस्सा है ये आपका कभी भी ज़मीन पर नहीं लगता, अगर आपका ये हिस्सा रिलैक्स है तो आपकी जो है पूरी बॉडी रिलैक्स रहती है। तो इसको जो है आपने मसाज में कुछ इस तरीके से, आपने एक हाफ जो है मुट्ठी बंद करनी है और इसको जो है ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको घुमाना है अपने पैर पे। ऐसा जो है आप ये 10 सेकंड के लिए कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं मसाज को तो आपके जो पैरों में समस्या है, पैर अगर आपके ठंडे भी रहते हैं सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा, तो वो जो है इतने ठंडे नहीं रहेंगे, आपके पैरों को काफ़ी ज़्यादा गर्माहट मिलेगी। और ऐसा करने से आप देख रहे होंगे आपके पैर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आपके पैरों का ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है तो आपको कोई भी समस्या कभी नहीं होगी। उसके बाद आपने जो ये है ये आपके चैनल होते हैं पीछे साइड के, इनको आपने अच्छे से 10 से 15 सेकंड के लिए आपने जो है इनको प्रेस करना है। ये देखिए आप जो है ये अगर ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पैरों में बहुत ही ज़्यादा आपको जो है रिलैक्स महसूस हो रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं अगर आप ये मसाज कर रहे हैं तो आप इस मसाज को करने के लिए जो है पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो पेंसिल है वो आपके घरों में आसानी से मिल जाती है। ये देखिए अगर आप बुज़ुर्ग हैं, आपके हैंड्स में इतनी मतलब पावर नहीं है कि आप मालिश कर सको, तो आप ये पेंसिल का इस्तेमाल करें और इसको बिल्कुल ही जेंटली तरीके से आप जो है ऐसे प्रेस करें अपने चैनल्स के बीच में।
ये देखिए, इससे क्या आपके पैरों को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मिल रहा होगा। उसके बाद आपको पता ही होगा कि हमारे पैर में जो है हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, बाकी हमारे जो पैर की जो नसें हैं वो हमारी पूरी बॉडी से जुड़ी होती हैं। तो हमारे जो है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, आप इसको पेंसिल के साथ जो है ऐसे प्रेस कर सकते हैं। आपने जो ऐसा है ये 25 से 30 सेकंड के लिए करना है, और ये एक ऐसी मसाज है अगर आप इसको 10 मिनट के लिए रेगुलर अपने जो है रूटीन में करते हैं तो आपको पैरों से रिलेटेड कोई भी समस्या होने के जो चांसेस हैं वो आपके बहुत ही कम हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो है सर्दियों में अचानक से जो है हमारी चोट लग जाती है, तो वो चोट हमारी लंबे समय के लिए रहती है, तो उससे क्या होता है हमारे पैरों पे सूजन भी हो जाती है, हमें चलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन सभी अगर आप प्रॉब्लम से जो है हल चाहते हैं तो उनके लिए आप जो है ये खुद से ये पैरों की मसाज आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने जो है अच्छे से बिल्कुल प्रेस करते हुए अपने दो थंब के साथ ये बिल्कुल, ये देखिए आपने बिल्कुल प्रेस करना है इसको बिल्कुल अच्छे से। वो कहते हैं ना कि अगर शीशी में कोई दवा है तो उसको हिलाए बगैर जो है पिया नहीं जाता है, तो ये इसी लिए ये जो है यूज़ किया जा रहा है। ये देखिए अब ये ऊपर से नीचे से लेके बिल्कुल ऊपर तक जो है इसका सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन का काम आपको देने वाला है। और अगर आपको पैरों में सर्दियों की वजह से जो है आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है अपनी पिंडलियों में, तो आप जो है इस मसाज को कीजिए, आपके जो पैरों में दर्द रहता है सर्दियों की वजह से वो भी आपका दर्द जो है नहीं रहेगा। और मैं आपको बता दूं अगर आपकी एड़ियों में दर्द रहता है तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये जो है सेंटर। कईयों की सिटिंग जॉब होती है तो उन्हें खड़े रह के जो है जॉब करनी होती है, स्टैंडिंग जॉब होती है उनकी, तो उनके पैरों में बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आप इस जगह पर इस पेंसिल को रखें और इसको प्रेस करें कम से कम 5 सेकंड के लिए, और फिर उसके बाद फिर छोड़ दें। ऐसा जो है आपने 5 स्टेप में करना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको आपकी जो ये एड़ियां हैं इनको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। और कई लोगों को जो है एड़ियां फटने की भी प्रॉब्लम होती है, तो ये जो तेल है ये बहुत ही अच्छा है। आप जो अगर इस तरीके से मालिश करते हैं अपनी एड़ियों की तो आपकी जो एड़ियां फटी हुई हैं वो आपकी जैसे दरारें पड़ी हुई हैं ये आपकी दरारें जो है भरनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी एड़ियां फटी हुई भी नहीं दिखेगी और आप आसानी से किसी भी तरह का कोई भी सैंडल या कोई भी शूज़ जो है आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो ये आपके ऊपर के चैनल है पैरों के, आपने ये देखना है फिंगर्स के अंदर, आपने अपने पैरों के फिंगर्स के अंदर आपने हाथों के फिंगर को डालना है और इनको खिंचाव देना है कुछ इस तरीके से। आपने सुना ही होगा जहाँ से भी हमारी बॉडी का पार्ट खिंचता है वहीं से जो है हमारी समस्याएं ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये देखिए आपकी जो नसें हैं वो काम करना स्टार्ट कर रही हैं, वो खिंच रही हैं, तो उनमें जो खून का दौरा है वो चलना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे जो पैर हैं उनकी नसें हमारे यहाँ तलवों में ही जुड़ी हुई है। तो अगर आप ये तलवों की मसाज करते हैं तो आपको इससे जो है आपके पैरों की जो समस्याएं हैं वो ठीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये देखिए ये भी हमारे चैनल्स हैं, अगर आप इस तरीके से इनकी मसाज करते हैं तो आपको अगर कई बार मोच आई होती है पैरों में और हमें पता नहीं होता है बट हमारा पैर जो है वो दर्द कर रहे होते हैं, अगर उस समय भी आप ये मसाज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाली है। ये देखिए आप इसको जो है पेंसिल से भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सर्दियों में कई बार ऐसा होता है कि हम जो है अपनी बॉडी पर इतना ध्यान दे नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप ये मालिश करते हैं तो आपकी जो पैरों पर कई बार किसी भी तरह का कोई भी दाग धब्बा होता है वो भी इस मालिश से जो है आपका ठीक हो सकता है। उसके बाद आपने जो है ये पिंडियों को ऐसे दबाना है, और ऐसे अगर आप 5 सेकंड के लिए दबाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा। अगर आपकी पिंडियों का दर्द है वो आपका ठीक हो सकता है इससे। और इसके साथ साथ ही ये देखिए जो हील के सैंडल पहनते हैं उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन रहता है, अगर आप इस पेन को ठीक करना चाहते हैं तो आपने अपने 2 फिंगर्स को कुछ इस तरीके से बनाना है और ऊपर से लेकर नीचे तक जो है आपने प्रेस करना है बहुत ही सॉफ्ट तरीके से। इसके जो है अगर आपके यहाँ पे दर्द होता है, पेन होता है हील डालने की वजह से, तो वो भी आपका जो है दर्द ठीक हो सकता है। आप ऐसा जो है 10 सेकेंड के लिए करें। और कई लोगों के ऐसा होता है कि यहाँ पे पेन होता है इस जगह पर, तो उसके लिए भी एक
मसाज है, आपने अपना थंब इसी के ऊपर रखना है और इसको जो है अच्छे से आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने प्रेस करना है। आपकी जो एडी से रिलेटेड समस्याएं हैं वो इन मसाज से ख़त्म हो सकती हैं। और मैं आपको बता दूं, आपने ये जो मसाज है, अगर आप रात को गुनगुने पानी से अपने पैरों को धोकर, और याद रहे गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल लें और उसके बाद जो है आप अपने पैरों को धो लें 5 मिनट के लिए, जो है आपने गुनगुने पानी में अपने पैरों को रखना है और उसके बाद आपने जो है टावल से अपने पैरों को साफ़ करके इस पर तिल का तेल या कोई भी तेल इस्तेमाल करके आप 10 मिनट के लिए रात को ये मसाज करके सो जाते हैं, तो आप सुबह उठ के देखेंगे कि आपके जो पैरों की समस्याएं हैं वो जो है आपकी ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको ये मेरी मसाज टेक्निक्स अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस मसाज को जो है देखना चाहते हैं और आप किस मसाज की टेक्निक्स के बारे में और जानना चाहते हैं। आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।